भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्यम कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से आज देश के बेरोजगारों युवक की मदद के लिए मंत्रालय की राष्ट्रीय वेबसाइट www.kebskenterprises.in शुरू किया गया। इस वेबसाइट शुरू करने के पीछे वजह यह है कि इसके जरिए देश में बेरोजगारों को युवाओं को मदद पहुंचाए जाए, साथ ही वेतन भोगी व्यक्तियों को विकल्प के रूप में उपयुक्त कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ खुद को स्टार्टअप स्थापित करने को लेकर भविष्य के लिए उनमें आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। इतना ही नहीं, वे लोग जो खुद को स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सबसे 2% ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही भारत सरकार उनके लिए 25% अनुदान देने के साथ ग्रांटर भी बनेगी। इस अवसर पर कृषि विकास शिल्प केंद्र से जुड़े विभिन्न लोगों ने अपने अपने विचार रखे। মঞ্চে ডেকে নেব ডক্টর অমিত চৌধুরী মহাশয়কে। প্লিজ ওয়েলকাম ডক্টর অমিত চৌধুরী, এক্স অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ ন্যাশনাল ওয়েবসাইট লঞ্চ হতে চলেছে। আপনারা সকলে করতালির মাধ্যমে সেই মুহূর্তটাকে অনুভব করবেন, সেই মুহূর্তটাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবেন, এই আশাই রাখবো। আজকে সত্যি একটা অসাধারণ মুহূর্তের সৃষ্টি হচ্ছে, আমাদের প্রতীক্ষার অবসান হচ্ছে। সেই মহেন্দ্রক্ষণ করতালির মাধ্যমে আপনারা সকলে সেই আনন্দ ভাগ করে নিন, সেই পরিবেশ তৈরি করুন। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভারম্ভ ঘটল প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি কেন্দ্রে। কেন ওই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ওই কথাটা কেউ মানেনি,